बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो मरना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। बॉलीवुड के नामी एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक दिल के भी काफी अच्छे इंसान थे। इस बात का सबूत था नीना गुप्ता के लिए उनका इमोशन। सब जानते हैं कि नीना गुप्ता बिन ब्याही माँ बनी थी। नीना गुप्ता ने अपनी आत्मकथा में सतीश कौशिक की नेक दिली के बारे में बताया था। नीना और सतीश दोनों ने जाने भी दो यारों के सेट पर अच्छे दोस्त बन गए। उसी साल उन्होंने फिल्म मंडी में भी एक साथ काम किया। इसी दौरान नीना गुप्ता और क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में आई थी और प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तब उनके बच्चों को नाम देने के लिए तैयार थे सतीश कौशिक। नीना गुप्ता ने अपनी किताब सच कहूं तो में लिखा था, दरअसल शशि से शादी से पहले सतीश ने नीना को शादी के लिए पूछा था। उस दौरान नीना प्रेग्नेंट थी। सतीश ने नीना से कहा था, चिंता मत करो, बच्चा अगर डार्क स्किन का होगा तो कह देना कि वो मेरा है और हम शादी के बंधन में बन जाएंगे। इस पर सतीश ने कहा था कि मैं नीना की सराहना करता हूं, बिन शादी के बच्चे की इस तरह परवरिश करना, मैं उनके साथ एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा होना चाहता था। मैं उन्हें उस दौरान अकेला महसूस कराना नहीं चाहता था, ह्यूमर के साथ इज्जत और बतौर बेस्ट फ्रेंड सपोर्ट करना चाहता था। जब उन्हें एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करती है। उस समय नीना काफी इमोशनल हो गई थी। हालांकि नीना ने ऐसा नहीं किया था, बिन ब्याही मां बनने के चलते उन्हें काफी आलोचना भी मिली थी। वही सतीश जी, जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था, यही उन्होंने पढ़ाई की और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। फिल्मों से पहले उन्होंने थिएटर किया। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। हालांकि परिवार का सिनेमा और फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन फिल्में देखने के लिए सतीश कोई ना कोई जुगाड़ लगाते ही रहते थे। एक बार उन्होंने फिल्में देखने के लिए अपनी किताबें बेच दी थी। वहीं एक बार तो उन्होंने फिल्म देखने के लिए माँ के 5 रुपए चुरा लिए थे। उसकी खबर पूरे मोहल्ले को लग गई थी। उसके बाद लोग उन्हें हरी पत्ती कहने लगे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सतीश कौशिक को अपने 2 साल के बेटे का दुख भी सहना पड़ा। सतीश के काफी साल बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ, लेकिन 2 साल की उम्र में उनके बेटे का निधन हो गया। इस गम में शशि और सतीश काफी साल डूबे रहे। काफी साल बाद 2012 में उनके घर सैरोगेसी के जरिए वंशिका का जन्म हुआ। सतीश कौशिक 56 साल की उम्र में पिता बने थे। अपनी बेटी के लिए सतीश बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन सब अधूरा ही रह गया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।